हाय बच्चों, वेलकम टू पेपर हैकर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, बीए पार्ट वन सेमेस्टर सेकंड का जो है डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज। इसका क्या देखेंगे हम लोग? एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, ठीक है। पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, आज से जो वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी टोटल यूनिवर्सिटी में जो है एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं बच्चों, तो एमसीक्यू क्वेश्चन पर हम फोकस कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में, ठीक है। और भी बहुत सारे वीडियो हम आप लोग को बताएंगे, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में है हम एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे, ठीक है बच्चों। तो एमसीक्यू क्वेश्चन पे चलते हैं टारगेट करके कि एमसीक्यू क्वेश्चन जितने हैं टोटल को हम लोग एक बार में कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और एक बात और बच्चों, इसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है नीचे लिंक, या लिंक से वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से पीडीएफ फाइल इसका डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो बीए पार्ट वन सेमेस्टर सेकंड का सैन्य अध्ययन एमसीक्यू क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, देखते हैं क्या कह रहा है एमसीक्यू क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर और यूनिट फर्स्ट है, क्या है? यूनिट फर्स्ट, पार्ट ए का यूनिट फर्स्ट जो है बच्चों, देखिए यहाँ इसमें पढ़ेंगे हम लोग बच्चों कि क्या पढ़ेंगे। देखिए यूनिट फर्स्ट में जो है दो चीज दिया हुआ है, मिलिट्री सिस्टम इन वैदिक एपिक एज, मतलब कि वैदिक सभ्यता से रिलेटेड जो क्वेश्चन आती हैं एग्जाम में वीवीआई, वो क्वेश्चन है हम लोग पढ़ेंगे वीवीआई क्वेश्चन, बस जो एग्जाम में आए वही, एक्स्ट्रा नहीं, ठीक है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो एग्जाम में आए वही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट में, मैसेडोनिया और इंडियन आर्ट ऑफ वार विथ पार्टिकुलर रेफरेंस टू द बैटल ऑफ हाइडेस्पीस 326 BC, ठीक है बच्चों। तो इसमें ये पढ़ेंगे हम लोग कि मैसेडोनिया सभ्यता और इन भारतीय सभ्यता और उसका जो है हाइडेस्पीस का युद्ध कब कैसे क्या हुआ, उसके बारे में जो है कुछ क्वेश्चन अराइज कर लेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बारे में कुछ क्वेश्चन अराइज कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर बच्चों, ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। यूनिट फर्स्ट में क्वेश्चन क्या है बच्चों, यूनिट फर्स्ट में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, महाकाव्य काल में सेना मुख टुकड़ी में कितने सैनिक होते थे, सेना की मुख टुकड़ी में कितने सैनिक होते थे, ठीक है, यही पूछ रहा है ना। महाकाव्य काल में वैदिक सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों, ये वैदिक सभ्यता की ओर हम लोग चलते हैं कि स्टार्टिंग में जो हिस्ट्री में बताया गया है कि वैदिक सभ्यता में जो महाकाव्य है उसमें जो है सेना की मुख टुकड़ी रहती थी, सेना होती थी और उसमें मुख्य टुकड़ी आगे की तरफ रहती थी, फिर सेकेंड थर्ड ऐसे ऐसे करके एक अरेंज करके और सेना का जो है संगठन तैयार करके और युद्ध लड़ा जाता था। उसमें मुख्य टुकड़ी जो होती थी बच्चों मेन होती थी, उसके बारे में पूछ रहा है कि मुख्य टुकड़ी में कितने सैनिक होते थे, जो मुख्य टुकड़ी होती थी उसमें कितने सैनिक हुआ करते थे, ये पूछ रहा है बच्चों। तो देखिए चलते हैं ऑप्शन की ओर, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, 10 ए नंबर ऑप्शन है, बी नंबर 20, सी नंबर 30 और डी नंबर 40। तो कितने मुख्य टुकड़ी में सैनिक हुआ करते थे बच्चों, 30 मुख्य टुकड़ी में कितने सैनिक हुआ करते थे, 30। और एक बात और देखिए यहां, महाकाव्य कितने हैं बताइए, महाकाव्य जो है कितने हैं, देखिए यहां इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं बता दे रहा हूं कुछ क्वेश्चन, महाकाव्य कितने हैं, दो, महाभारत और रामायण दो महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण ये दो महाकाव्य हैं, ठीक है। महाभारत का पुराना नाम जो है क्या है बच्चों, जय संहिता, महाभारत का पुराना नाम क्या है, जय संहिता, जय संहिता भी बोला जाता है इसको, हिस्ट्री में बोला गया है। और तो ऐसे बहुत सारे जो लेखक हैं वो महाभारत का कोई फारसी में अनुवाद किया है, कोई इंग्लिश में अनुवाद किया है,
कोई हिंदी में, इस तरह जो है बहुत सारे लेखक अपने अपने अनुवाद किए हुए हैं। ऐसे महाभारत का पुराना नाम जो है वो क्या है, जय संहिता भी है। ठीक है, रामायण, रामायण का तो जानते ही हैं कौन रचनाकार है, तुलसीदास। कौन? तुलसी दास। थोड़ी थोड़ी जानकारी हम बताते चलेंगे आप लोग को ताकि क्लियर फाई होता चले क्वेश्चन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो, बस क्वेश्चन से रिलेटेड जो आए एग्जाम में वही बताएंगे, इससे अलग कुछ नहीं, बस। ठीक है, सटीक और अच्छा। ठीक है, देखिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर बच्चों। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। वैदिक युग कब से कब तक माना जाता है? वैदिक युग जो है कब से कब तक माना जाता है बच्चों? ठीक है, वैदिक युग, वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि वैदिक युग जो था वो ईसवी पूछा। देखिए यहाँ बीसी है, ये क्या दिया हुआ है, बीसी। बीसी से आप क्या अर्थ लगा सकते हैं बच्चों, बताइए? बीसी को हम फुल फॉर्म क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ बता रहे हैं, लिख रहे हैं बीसी। बीसी का फुल फॉर्म जानना है ना हम लोग को, बीसी। इसको हिंदी में बोलते हैं ईसा पूर्व। क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व। इसकी जानकारी रखना भी आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा, नहीं जिसको मालूम होगा वो देख ले। देखिए ध्यान दीजिए, बीसी का मतलब ये होता है कि बिफोर ऑफ जीसस, जीसस क्राइस्ट, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व। और ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो घटनाएं हुई उसको क्या बोलते हैं, ईसवी, ईसवी। ध्यान दीजिएगा, बिफोर ऑफ जेजस क्रिस्ट, ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईसवी, और ईसा मसीह के जन्म के जितनी से पहले सी घटनाएं हुई हैं उसको जो है हम लोग बीसी बोलते हैं, बिफोर ऑफ जीजस क्रिस्ट ईसा पूर्व। ठीक है, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। ध्यान दीजिए आगे, देखिए क्या कर रहा है, वैदिक युग जो है कब से कब तक माना जाता है, क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है। ए नंबर ऑप्शन है 1168 बीसी से 1500 बीसी तक। ठीक है, बी नंबर जो है वो क्या है, 1500 बीसी से 600 बीसी तक। सी नंबर ऑप्शन है 168 बीसी से 378 बीसी तक। और डी नंबर ऑप्शन 600 बीसी से 185 बीसी तक बच्चों। तो वैदिक युग का जो समय माना जाता है उसका जन्म, उसका आरंभ कब से कब तक हुआ, 1500 बीसी से 600 बीसी तक, मतलब 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा उम्मीद करते हैं, बहुत अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 राजाओं के युद्ध में किसने विजय प्राप्त की थी। 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था उसमें किसने विजय प्राप्त की थी। अब इससे हम बता दे रहे हैं कि 10 राजाओं का युद्ध को क्या बोलते हैं, दशराग युद्ध। क्या बोलते हैं, दशराग युद्ध। 10 राजाओं और सुदास के बीच ये जो युद्ध हुआ था, 10 राजाओं और जन सुदास के बीच ये युद्ध हुआ था, इसे दशराग युद्ध के नाम से भी बोलते हैं। अब देखिए ये जो युद्ध हुआ था 10 राजाओं और सुदास के बीच, तो इसमें पूछ रहा है कि 10 राजाओं के युद्ध में किसने विजय प्राप्त की थी। क्वेश्चन क्या है हमारा कि 10 राजाओं के युद्ध में किसने विजय प्राप्त की थी, तो राजा सुदास, चंद्रगुप्त, चाणक्य, तो शिवाजी। तो इससे तो हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि हम जो अभी बताए क्वेश्चन कि दशराग युद्ध 10 राजाओं और सुदास के बीच लड़ा गया था, तो क्या होगा, राजा सुदास जो है वो क्या हुए थे, विजय प्राप्त हुए थे। राजा सुदास जो है वो क्या हुए थे, विजय प्राप्त हुए थे राजा सुदास। ए नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बच्चों। महाकाव्य, अभी मैंने बताया महाकाव्य के बारे में आप लोग को, तो महाकाव्य पूछ रहा है, महाकाव्य काल में एक अक्षिणी सेना कितने अनगिनी सेना की टुकड़ियां को मिलाकर बनती थी। क्वेश्चन रिपीट करते हैं बच्चों, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दिया हुआ है, समझिए ध्यान दीजिएगा कि महाकाव्य काल में जो है एक अक्षिणी, ठीक है, एक अक्षिणी सेना कितने अनकीनी सेना की टुकड़ियों
को मिलाकर बनती थी, यही पूछ रहा है ना, कितने अनगिनत सेना की टुकड़ियों को मिलाकर बनती थी। तो अब देखिए कितने सेना की टुकड़ियों को मिलाकर बनती थी, ए नंबर ऑप्शन 2, बी नंबर ऑप्शन 3, सी नंबर ऑप्शन 4 और डी नंबर ऑप्शन 10। तो कितने सेना की टुकड़ियों को मिलाकर बनती थी बच्चों, ये हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन 10। क्या हो जाएगा 10। आगे चलते हैं, देखते हैं पांच नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, पांच नंबर क्वेश्चन। अब देखिए यहां मौर्य काल क्या स्टार्ट हो गया, मौर्य काल, मौर्य वंश का नींव कौन रखा था बताइए, मौर्य वंश कौन स्थापित किया था, मौर्य वंश जो है कौन स्थापित किया था, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी थी, ठीक है। और मौर्य वंश का पूछ रहा है कि समय कब से कब तक था, समय जो था काल था उसकी घटनाएं जो हुई वो कब से कब तक हुई बच्चों, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर कि मौर्य काल कब तक माना जाता है, यही है ना क्वेश्चन, देखिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि मौर्य काल का समय कब से कब तक माना जाता है, 168 बीसी से 378 एडी तक, 600 बीसी से 185 बीसी तक, 800 बीसी से 500 बीसी तक और 185 एडी से 600 एडी तक, बताइए कॉमन सेंस लगाइए, पढ़े हैं आप लोग, क्या होगा ये जो हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 600 बीसी से 185 बीसी तक जो है मौर्य काल का समय माना जाता है, 600 बीसी से 185 बीसी तक, ठीक है। आगे चलते हैं देखते हैं छह नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा, मौर्य काल सेना को वेतन किस मुद्रा में दिया जाता था, देखिए जब पहले के राजा हुआ करते थे तो उसमें बहुत सारे सेना की टुकड़ियां हुआ करती थी, सब उसके बारे में उसकी डिटेल्स, सेना में कौन अग्रभाग है, पिछला भाग है, मध्य भाग है, अग्रभाग को क्या बोला जाता है, दान देने वाले को क्या बोला जाता है, पंडित को क्या, ज्योतिष को क्या, कौन कभी क्या थे, उस सब चीज उसके बारे में हम लोग को जानना है थोड़ी थोड़ी, तो पढ़ना है सब्जेक्टिव ही, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसमें पूछ रहा है कि मौर्य सेना को वेतन किस मुद्रा में दिया जाता था, उस समय मुद्राएं चलती थी, जैसे आजकल रुपया पैसा चलता है, उस समय मुद्राएं चलती थी, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के हुआ करते थे, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि मौर्य काल सेना को वेतन किस मुद्रा में दिया जाता था, वो मुद्राएं का नाम क्या था, यही पूछ रहा ना। तो देखिए चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि टका में दिया जाता था, कि पण में दिया जाता था, कि रुपया में दिया जाता था, कि जागीर में दी जाती थी, अरे तो ये जो होता था बच्चों मौर्य काल सेना को वेतन जो मुद्रा में दिया जाता था वो पण में दिया जाता था, किसमें दिया जाता था, पण में दिया जाता था, किसमें दिया जाता था, पण में दिया जाता था। आगे चलते हैं देखते हैं सेवन नंबर, हाइडे स्पीच या झेलम की लड़ाई कब लड़ी गई, हाइडे स्पीच का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था बताइए, हाइडे स्पीच का युद्ध जो हुआ था किन किन राजाओं के मध्य हुआ था, हाइडे स्पीच का जो हुआ था बच्चों युद्ध वो झेलम नदी के तट पर हुआ था, कहाँ हुआ था, झेलम नदी जो थी, झेलम नदी उसके तट पर हुआ था, उसके किनारे हुआ था, ठीक है। हाइडे स्पीच का जो युद्ध हुआ था वो झेलम नदी की लड़ाई में लड़ी गई थी, वो कब लड़ी गई थी, वो सिकंदर ने लड़ा था, सिकंदर ने हाइडे स्पीच या झेलम की लड़ाई लड़ी थी, ठीक है, वो कब लड़ी थी यही पूछ रहा है, ठीक है। सिकंदर और किसके बीच हुआ था, पोरस, ये दोनों क्या है, राजा थे, राजा सिकंदर और पोरस की सेनाओं के मध्य जो हुआ था वो हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था झेलम नदी के तट पर, ठीक है। आगे चलते हैं कब लड़ी गई थी, 168 बीसी में, 378 बीसी में,
326 बीसी में, ठीक है, 216 बीसी में। तो ये जो लड़ी गई थी बच्चों, ये 326 बीसी में लड़ी गई थी। हाइडी स्पीच या झेलम की लड़ाई जो लड़ी गई थी वो 326 बीसी में लड़ी गई थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं बच्चों, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एट नंबर क्वेश्चन जो है, एट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं एट नंबर क्वेश्चन क्या है। चतुरंग बल, कौन बल? चतुरंग बल, चतुरंगिणी सेना भी होती थी पहले, श्री रामचंद्र जी की जो सेना थी वो चतुरंगिणी सेना थी, तो सेनाओं का नाम हुआ करता था। मैंने बहुत सारा बात पहले पिछले पीछे बताया क्वेश्चन में कि सेनाएं जो होती थी बहुत सारे बार पार्ट में भी डिवाइडेड होती थी, बहुत सारे पार्ट में डिवाइडेड होती थी। अग्रभाग देखिए यहाँ, अग्रभाग का अलग नाम रहता था, मध्य भाग, का अलग नाम रहता था, फिर पिछला जो पीछे रहती थी पिछले भाग उसका भी नाम अलग ही रहता था। ठीक है, अग्रभाग, मध्य भाग, पिछले भाग सब पार्ट में डिवाइडेड होते थे। कब किसको आक्रमण करना है ये भी बता दिया जाता था प्लानिंग के तहत, तो उस टाइप से होती थी। तो चतुरंगिणी से समझ में आ रहा है कि बहुत ही अच्छे बल थे, चतुरंगिणी बल जो थी। जब भी अभी भारत के जो सबसे अच्छे कमांडो हैं वो कौन है, जो पीएम और वीआईपी की सुरक्षा में रहते हैं, वो एसपीजी हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। उसी समय चतुरंगिणी बल हुआ करती थी। कौन बल? चतुरंगिणी बल में कौन कौन सी सेनाएं होती थी, यही तो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि चतुरंगिणी बल उस समय जो थी, वैदिक सभ्यता की बात कर रहे हैं हम लोग, कौन बात कर रहे हैं, वैदिक सभ्यता की, वैदिक सभ्यता की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता में चतुरंगिणी बल में कौन कौन सी सेनाएं हुआ करती थी, यही तो पूछ रहा है। देखिए क्या पूछ रहा है, ए नंबर ऑप्शन मौल बल, बी नंबर ऑप्शन भूतक बल, ए ए में क्या हो जाएगा, मौल बल, भूतक बल, श्रेणी बल, अटवी बल। ठीक है, बी नंबर जो है पैदल सेना, रथ सेना, अश्व सेवा, गज सेना। ठीक है, सी नंबर जो था पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना, तोपखाना, और डी नंबर जो है अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना और कवचित सेना। तो ये जो हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। कौन नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि चतुरंगिणी बल में पैदल सेना, रथ सेना, अश्व सेवा और गज सेना, ये प्रमुख सेना चतुरंगिणी सेना थी, जिसमें पैदल सैनिक होते थे, रथ वाले सैनिक होते थे, अश्व वाले सेवा देने वाले सैनिक और गज सेवा देने वाले सैनिक हुआ करते थे। ठीक है बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट आगे चलते हैं नाइन नंबर क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिएगा नाइन नंबर क्वेश्चन क्या है। अब जो मैंने पिछले वीडियो में बताया, पिछले क्वेश्चन में, वो जो आ गया क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि झेलम का संग्राम कब हुआ था, 326 बीसी में, झेलम नदी के तट पर हुआ था। कौन नदी के तट पर? झेलम नदी के तट पर, झेलम नदी के तट पर ये युद्ध हुआ था। किसके किसके, किन किन सेनापतियों के बीच लड़ा गया था, मैंने बताया पिछले, अगर आप लोग देखे होंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, तो किन किन सेनापतियों के बीच हुआ था, पोरस तथा सिकंदर, मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान, इब्राहिम लोदी तथा बाबर, हैनिबल एवं वैरो। तो झेलम का संग्राम जो हुआ था बच्चों, ये पोरस और सिकंदर की सेनाओं के मध्य हुआ था। किसके सेनाओं के मध्य? पोरस और सिकंदर की सेनाओं के मध्य। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलिए आगे देखते हैं। टेन नंबर क्वेश्चन, हर्षचरित के रचयिता थे, हर्षचरित इससे क्या समझ में आ रहा है, मतलब हर्षवर्धन की कहानी, हर्षवर्धन की जीवन लीला, हर्षवर्धन की जीवन में जो घटनाएं हुई थी उसके रचयिता कौन थे, यही तो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, हर्षवर्धन की जीवन रचयिता, उसके जीवन रचयिता कौन थे, मतलब उसकी कहानी कौन लिखा था। पहले के राजा होते थे अपनी कहानी लिखवाते थे ना, अपना वर्णन करने के लिए, अपना
गाथा और अपना साम्राज्य आगे बढ़ाने के लिए कवि लिखते थे, कवि रखते थे वो लोग। तो वही पूछ रहा है कि हर्षचरित जो लिखे थे वो हर्षवर्धन के बारे में लिखे थे। किसके बारे में लिखे थे बच्चों? हर्षवर्धन, हर्ष वर्धन। ये किस वंश का राजा था? पुष्यभूति वंश, पुष्य भूति वंश या वर्धन वंश, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, यही था हर्षवर्धन, उसी साम्राज्य का राजा। ठीक है, उसकी जीवन रचयिता कौन था? ये देखिए यहाँ, ए नंबर ऑप्शन कालिदास थे, बी नंबर बाण भट्ट, सी नंबर कौटिल्य और डी नंबर चंदर बदाई। तो ये जो थे हर्षवर्धन के रचयिता, ये बाण भट्ट थे। कौन थे बच्चों? हर्ष के रचयिता थे वो बाण भट्ट थे। हर्ष के रचयिता, हर्षचरित के रचयिता बाण भट्ट। आगे चलते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, 11 नंबर क्वेश्चन। प्राचीन भारत में राजदूत व्यवस्था किस साम्राज्य से संबंधित है? देखिए आज भी हम लोग राजदूत रखते हैं। क्या रखते हैं? राजदूत, राजदूत, राजदूत जो है टोटल कंट्री में होते हैं। जितने कंट्री हैं टोटल देश में जो है, जितने कंट्री हैं उनके सब राजदूत उस कंट्री में रहते हैं। जैसे भारत में जो है हर देश के राजदूत है, भारत का राजदूत, इजराइल का राजदूत, पाकिस्तान का राजदूत, और सबको दूतावास मिला रहता है, वास मिला रहता है। वो क्या करते हैं बच्चों कि वो जो होते हैं वो वहाँ के जो राजा होते हैं, जैसे भारत का पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। तो ये यहाँ के जो साम्राज्य इनका इतना बड़ा है, या ये जो शासन यहाँ चला रहे हैं, शासनादेश यहाँ से, यहाँ के तो किंग ही बोलेंगे ना, तो ये जो पीएम जो वहाँ के होते हैं उनकी वो सूचनाएं, अपने देश की सूचनाएं साझा करते हैं उस देश के साथ, इसलिए उनको नियुक्त किया जाता है उस देश में। ठीक है, तो जैसे राजदूत जो होते हैं एक दूसरे अलग अलग कंट्री से और एक दूसरे का सूचनाओं का साझा करते हैं, उन्हीं को राजदूत बोलते हैं, उनको उस देश में रखा जाता है। ठीक है, जैसे भारत है तो भारत में हर देश के राजदूत हैं, इजराइल, इटली, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, रसिया, हर देश के राजदूत हैं, और हर एक देश की वो अपनी सूचनाएं भारत के साथ साझा करते हैं, यही इनका काम होता है। और कुछ भी काम हो तो बस शेयरिंग हो जाता है, तो यही इनका काम होता था, राजदूत। अब यहाँ कह रहा है कि उस समय गुप्त काल या वैदिक सभ्यता से ही राजदूत का जो है प्रचलन चला आ रहा है। तो राजदूत जो है यहाँ पूछ रहा है कहाँ है हम लोग, देखिए ध्यान दीजिए, ये 11 नंबर क्वेश्चन। प्राचीन भारत में राजदूत व्यवस्था किस साम्राज्य से संबंधित है, मतलब किस साम्राज्य में राजदूत व्यवस्था हुआ करती थी, यही पूछ रहा है ना बच्चों। तो देखिए ध्यान दीजिए, गुप्त काल में, मौर्य काल में, मुगल काल में, ब्रिटिश काल में, बताइए। तो ये था बच्चों मौर्य काल, राजदूत जो व्यवस्था थी वो कौन थी? मौर्य काल से थी। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, 12 नंबर। चक्रव्यूह की रचना एवं प्रयोग किस काल में किया जाता था? चक्रव्यूह की रचना एवं प्रयोग, चक्रव्यूह बनाया जाता था पहले, दुश्मन को घेरने के लिए चक्रव्यूह बनाते थे राजा, और उसमें जब चक्रव्यूह में दुश्मन फंस जाता था तो बाहर नहीं निकल पाता था और उसकी पराजय निश्चित थी। जैसे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा लिया गया, ठीक है, कौरवों ने फंसा लिया था, ठीक है। तो उसी तरह जो है चक्रव्यूह की रचना और प्रयोग किस काल में किया जाता था, कौन से काल में, यही तो पूछ रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन जो है, चलते हैं देखते हैं ऑप्शन क्या है। गुप्त काल में, आधुनिक काल में, महाकाव्य काल में, मुगल काल में। तो चक्रव्यूह की रचना जो थी, प्रयोग इसका बच्चों किया जाता था, वो महाकाव्य काल में किया जाता था। कब किया जाता था? महाकाव्य काल में। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्राचीन काल में किस प्रकार के युद्ध होते थे, किस प्रकार के युद्ध होते थे? ये तो कॉमन सेंस की बात है, क्वेश्चन देख के ही समझ में आ रहा है कि किस प्रकार के प्राचीन भारत में युद्ध हुआ करते थे। वो देखिए, धर्म युद्ध, गृह युद्ध, सैन्य युद्ध, कुट युद्ध। तो ये होगा बच्चों, क्या होगा बताइए? धर्म युद्ध। क्या होगा? धर्म युद्ध जो है प्राचीन भारत में हुआ करते थे।
चलते हैं आगे की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन, परमितार्थ राजदूत का क्या कार्य होता था? राजदूत में भी कई प्रकार के राजदूत हुआ करते थे, समझे? बहुत सारे टाइप्स होते थे राजदूत के। देखिए यहां, राजदूत के टाइप्स हुआ करते थे, ठीक है? तो राजदूत जो हुआ करते थे बच्चों, वो जो है परमितार्थ राजदूत का क्या कार्य होता था? परमितार्थ जो राजदूत था उसका पूछ रहा है ना कि क्या कार्य होता था, ठीक है? तो देखते हैं, सेना संबंधी जानकारी रखना, गृह युद्ध संबंधी कार्य करना बी नंबर है, ठीक है? और सी नंबर जो है राजा का विशिष्ट कार्य करना, शस्त्र अस्त्र आदि का भंडार करना। बताइए 14 नंबर जो है बच्चों वो होगा राजा का विशिष्ट कार्य जो होता था, मेन मेन वो राजदूत करता था। वो कौन राजदूत करता था बच्चों? परमितार्थ राजदूत करता था। कौन राजदूत करता था? परमितार्थ राजदूत राजा का विशिष्ट विशेष रूप से कार्य करता था। किस रूप से? विशेष रूप से, विशेष रूप से, ठीक है? आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? शस्त्रास्त्र, सैन्य संगठन तथा समर नीति तीनों का किस पद्धति में अध्ययन किया जाता है, ठीक है? शस्त्रास्त्र, सैन्य संगठन तथा समर नीति तीनों का किस पद्धति में अध्ययन किया जाता है? किस पद्धति के अंतर्गत ये आते हैं? शस्त्रास्त्र, सैन्य का संगठन जो होता था वो, और समर नीति। पहले तो बनाया जाता था संगठन ना जी, वो किस पद्धति के अंतर्गत आता था? तो मैंने कौन सी शैली थी उनकी, यही पूछ रहा है ना। क्या पूछ रहा है? कौन सी शैली हुआ करती थी, यही ना, कौन सी शैली? देखिए शैली पूछ रहा है उसकी, कौन सी शैली के अंतर्गत आते थे। देखिए यहाँ ए नंबर ऑप्शन अस्त्र शस्त्र पद्धति, बी नंबर राजनीतिक पद्धति, सी नंबर सैन्य पद्धति और निःशस्त्रीकरण पद्धति डी नंबर ऑप्शन है। तो क्या होगा बच्चों, बताइए 15 का क्या होगा? तो ये जो होगा बच्चों सैन्य पद्धति के अंतर्गत, देखने से ही समझ में, शस्त्र सैन्य संगठन और समर नीति जो होती थी युद्ध के अंतर्गत आती है, तो ये जो है सैन्य पद्धति से ही संबंधित होगा। किससे होगा? सैन्य पद्धति से, ठीक है? अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राचीन काल के युद्धों की जानकारी किससे मिलती थी? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्राचीन काल में जो युद्ध होते थे उससे किसकी जानकारी किसके द्वारा मिलती है, कि मैंने जो युद्ध हुआ करते थे वो कैसे होते थे, किस प्रकार लड़े जाते थे, वो कौन कौन भाग लेता था, किस टाइप से उसकी प्लानिंग होती थी, ये किससे हमको जानकारी मिलती है, कैसे हम लोग जानते हैं इस चीज को, यही तो पूछ रहा। तो देखिए यहाँ कैसे जानते हैं, ऋषि मुनि द्वारा जानते हैं, कि कंप्यूटर द्वारा जानते हैं, कि धार्मिक ग्रंथों द्वारा जानते हैं, कि ऐतिहासिक ग्रंथों द्वारा जानते हैं। तो इतिहास जितने पीछे के थे, पास्ट, इतिहास किसको बोलते हैं? जो पास्ट में बीत चुका है, ठीक है, पास्ट को हम बोलते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री जो बोलते हैं वो किसको बोलते हैं? जो बीत चुका है, पास्ट में हो चुका है बहुत साल पहले, ठीक है? तो किसके द्वारा हमको प्राप्त होती है? तो ऐतिहासिक ग्रंथों के द्वारा ही ना प्राप्त होगी बच्चों। हिस्ट्री की बुक पढ़ेंगे तो ही तो समझ में आएगी कि पीछे का हम लोग क्या हुआ है, कैसी शैली थी, कौन राजा थे, किस प्रकार उसकी संगठन हुआ, किस प्रकार प्लानिंग हुआ, ऐतिहासिक ग्रंथों द्वारा होती थी। प्राचीन काल में युद्ध की जानकारी किससे मिलती है? ऐतिहासिक ग्रंथों के द्वारा। ओके, क्लियर, नेक्स्ट। चलिए इसी तरह देखते रहिए वीडियो, बने रहिए वीडियो में। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कि 17 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है बच्चों, 17 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है? देखिए यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन जो है बच्चों, कि प्राचीन समय में किन जातियों के बीच बार बार युद्ध हुए? वो कौन सी जातियां थी प्राचीन समय में जो बार बार लड़ा करती थी, बार बार उनके बीच युद्ध हुआ करता था, वो कौन सी मेन जाति थी, यही तो पूछ रहा। देखिए यहाँ, दस्यु एवं राक्षसों, देव एवं दानवों, आर्यों और अनार्यों, और मुगलों और हिंदुओं। बताइए क्या होगा? ये जो होगा बच्चों, आर्यों और अनार्यों के बीच, जातियों के बीच जो है बार बार युद्ध हुआ करता था, आर्यों और अनार्यों के बीच। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं,
18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, 18 नंबर क्वेश्चन, गज सेना का क्या कार्य होता था? जो गज सेना होती थी, हाथी पर सवार, हाथी के जो सवार होते थे, पहले तो हाथी भी सेना में सम्मिलित होती थी ना बच्चों, तो गज सेना होती थी, उनका काम क्या था, सेना में वो कैसे कार्य करते थे, यही तो पूछ रहा कार्य गज सेना का। गज सेना का कार्य किस प्रकार हुआ करता था? सैनिकों को ले जाने का कार्य, दीवारों को तोड़ने का कार्य, दुर्गों को नष्ट करना, राजनयिकों को करना, आप बताइए, राजनयिकों को मारना, बताइए गज सेना का जो कार्य हुआ करता था वो कौन सा कार्य हुआ करता था बताइए। तो ये होता था, हाथी जो होते थे वो क्या करते थे, बलशाली होते थे, तो उनका जो काम दिया गया था, जो राजा का दुर्ग होता था उनको तोड़ देना, नष्ट कर देना, जब दुर्ग नष्ट हो जाएगा तो राजा पर हम लोग कब्जा कर लेंगे, वो दुर्ग जब राजा पराजित होने लगते थे तो अपने दुर्ग में चले जाते थे, दुर्ग का मतलब समझ रहे हैं आप, दुर्ग का मतलब दुर्ग, दुर्ग जो हुआ करता था वो क्या हुआ करता था बच्चों, कि दुर्ग में जब छिप जाते थे राजा, जब देखिए दुर्ग का निर्माण हर राजा करता था, दुर्ग में जो ये होता था कि दुर्ग जब है राजा युद्ध करता था तो से मैदान में फील्ड में युद्ध करता था, जब पराजित होने लगता था तो वो दुर्ग में छिप जाता था, दुर्ग बहुत ही मजबूत बनाया जाता था जिसको जल्दी भेदा नहीं जा सकता था, वो किसके द्वारा भेदवाया जाता था, किसके द्वारा उसको तोड़वाया जाता था, तो गज सेना का काम होता था दुर्गों को नष्ट करना, राजा के दुर्ग को नष्ट करना गज सेना का काम होता था। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 19 नंबर, महाकाव्य काल में, महाकाव्य काल में युद्ध किस कारण से होते थे, युद्ध जो है किस कारण हुआ करते थे, राजनीतिक संबंध हेतु, भूमि दयनीय स्थिति के लिए, भौगोलिक कारणों से, सीमा विस्तार के लिए, बताइए राज महाकाव्य काल में जो है युद्ध किस कारण हुआ करते थे, बताइए किस कारण हुआ करते थे बच्चों, तो ये जो युद्ध हुआ करते थे अभी भी चीन की नीति पर चला करते थे, जैसे सीमा का अपना विस्तार किया करते थे, क्या करते थे, डी नंबर ऑप्शन, सीमा विस्तार के लिए, एक राज्य पालिए एक स्टेट पालिए तो अलग स्टेट पे हम अटैक कर दिए, फिर अलग स्टेट पे अटैक कर दिए, इस प्रकार अटैक अटैक करते थे, एक दूसरे से अपना जो है सीमा का विस्तार करते थे, चाइना का भी यही पॉलिसी है, अपनी देश और साम्राज्य का विस्तार करना अच्छे तरीके से, ठीक है, उसी प्रकार वही पॉलिसी पर पहले के किंग चला करते थे, अपने सीमा का विस्तार करते थे, इसीलिए महाकाव्य काल में युद्ध हुआ करते थे, कौन काव्य में, महाकाव्य काल में, महाकाव्य काल में, ध्यान दीजिएगा कि युद्ध पूछेगा किस कारण, तो बोल देंगे कि सीमा विस्तार के लिए युद्ध हुआ करता था। आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर, वैदिक काल में लोग युद्ध में किस नीति को अपनाते थे, नीति पूछ रहा है, नीति के तहत युद्ध होता था ना बच्चों, किसके तहत युद्ध होता था, नीति के तहत, वो नीति कौन सी अपनाते थे जिसके तहत वो युद्ध जीत जाते थे या युद्ध पराजित हो जाते थे, वो कौन सी नीति थी, यही तो पूछ रहा है 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, कि नीति क्या थी, यही पूछ रहा है ना कि उनकी नीति जो हुआ करती थी वो युद्ध में कौन सी नीति को अपनाया करते थे। तो देखिए यहाँ नाकाबंदी, मोर्चाबंदी, किलेबंदी, जोराबंदी, तो मोर्चाबंदी नीति के तहत जो है युद्ध वैदिक काल में लड़ा जाता था, किस कारण, मोर्चाबंदी के तहत आएगा ऑप्शन तो इसी तरह मार देना है, मोर्चाबंदी, मोर्चा का जैसे उसका तैयार करके मोर्चा और मोर्चाबंदी किया जाता था और उसकी नीति के तहत युद्ध लड़ा जाता था। आगे देखिए 21 नंबर, वैदिक काल में पैदल सेना किस चीज की रक्षा करती थी, अब देखिए पैदल सेना का क्या काम होता था, क्या वो उसके प्लानिंग के तहत उसको क्या दिया गया था कि वो किस चीज की रक्षा करेगी, यही ना पूछ रहा है, तो प्रमुख व्यक्तियों की रक्षा, दुर्ग, किला, शस्त्रागार, कोषागार, तो पैदल सेना जो होती थी वो कोषागार की रक्षा करती थी, ठीक है, जिसमें जो है भंडार रखा हुआ था अनाज का, जो अनाज का भंडार रखा हुआ था वो जो है अनाज
अनाज रहेगा ही नहीं तो सेना लड़ेगी कैसे, उसी के लिए पैदल सेना को कोषागार का रक्षा रखा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं, चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर, कि पोरस की सेना में कितने अश्वरोही थे, अश्व कितने थे, यही तो पूछ रहा। सिकंदर से जो युद्ध लड़ा गया था झेलम नदी के तट पर, हाइडे स्पीच का युद्ध, झेलम में हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था सिकंदर और इसके बीच पोरस के मध्य, हाइडे स्पीच का युद्ध झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था, झेलम नदी के तट पर। ठीक है, तो इसमें जो है वो पोरस की सेना जो थी उसमें कितने अश्वरोही थे, अश्व कितने थे, यही तो पूछ रहा है। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30,000, 50,000, 20,000, 45,000। तो 50,000 अश्व थे, कितने थे बच्चों, 50,000। ठीक है, अब देखिए यहाँ सिकंदर की सेना को वापस क्यों होना पड़ा, सिकंदर की सेना को जो है रिटर्निंग क्यों होना पड़ा, बताइए। अश्वरोही की संख्या कम होने के कारण, भारतीय सैनिकों की वीरता के कारण, अस्त्र शस्त्र सामग्री के कम पड़ने के कारण, कि और क्या कह रहा है कि सैनिकों का साथ देने के कारण, साथ न देने के कारण, सैनिक साथ नहीं दिया, तो ये होगा बच्चों कि भारतीय सैनिक जो है बहुत ही वीर थे, इस कारण सिकंदर को यहां से लौट जाना पड़ा। ठीक है, यही तो कह रहा है कि भारतीय सैनिकों की वीरता कारण सिकंदर को युद्ध परास्त होना पड़ा और लौट जाना पड़ा। आगे देखिए, भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने कौन नदी पार की, कौन नदी पार की, यही पूछ रहा है। कावेरी, यमुना, देखिए इसको झेलम लिखा है तो हम झ बना देंगे, झेलम हो जाएगा, झेलम, सरस्वती, बताइए कौन नदी पार करनी पड़ी थी, पीछे पढ़े हैं ना, बताइए। तो ये पार करनी पड़ी थी बच्चों, कौन पार करनी पड़ी थी, झेलम नदी, झेलम नदी जो है पार करनी पड़ी उसको। ठीक है, आगे देखते हैं, पोरस की सेना में कितने पैदल सिपाही थे, पैदल सिपाही की संख्या पूछ रहा है पोरस की सेना में। अब देखिए क्या होगा, पोरस की सेना जो है उसमें सिपाही कितने थे, 38,000 पैदल में, कि 40,000, कि 50,000, 42,000, बताइए। तो ये जो हो जाएगा बच्चों 25 नंबर का क्या हो जाएगा, 50,000 जो है पैदल सेना में सिपाही थे पोरस की सेना में। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए क्या कह रहा है, सिकंदर की सेना का संगठन किस प्रकार का था, सिकंदर तो विश्व विजेता था ना जी, तो उसकी सेना का संगठनात्मक रूप पूछ रहा है, कैसा रूप, संगठनात्मक, रूप किसका, सिकंदर का, सिकंदर की सेना का संगठनात्मक रूप पूछ रहा है कि क्या था, किस प्रकार का था, चक्रव्यूह हनुमा, षट कोणाकार, फ्लैक्स नुमा, कि गोलकृति नुमा, बताइए। सिकंदर की सेना का संगठनात्मक रूप किस प्रकार का था, यही तो कह रहा है। तो फ्लैक्स नुमा जो है सिकंदर की सेना का संगठनात्मक रूप किस प्रकार था, फ्लैक्स नुमा, कैसा था, फ्लैक्स नुमा, फ्लैक्स नुमा आकार का सिकंदर की सेना का संगठनात्मक रूप हुआ करता था। ओके, फ्लैक्स नुमा, ठीक है, फ्लैक्स नुमा जो है सिकंदर की सेना का संगठनात्मक रूप। 27 नंबर देखिए, वैदिक काल में रथ सेना का प्रमुख हथियार क्या था, रथ में कौन सा ऐसा हथियार लगाया जाता था, वही तो पूछ रहा है कि तलवार, रथ सेना का प्रमुख हथियार धनुष बाण, गदा, चक्र, रथ के साथ चलते थे जो, वो कौन सा हथियार लेके चलते थे, बताइए कौन सा हथियार लेके चलते थे बच्चों, रथ सेना का प्रमुख हथियार क्या हुआ करता था, बताइए। तो ये होगा बच्चों धनुष बाण, धनुष बाण जो है रथ सेना का प्रमुख हथियार हुआ करता था।
जितने रथ पर सवार देखेंगे धनुष बाण से ही वो लड़ाई करते हैं, ठीक है, तो धनुष बाण हो जाएगा, कैसे, धनुष बाण। आगे देखिए 28 नंबर, वैदिक काल में प्रमुख सेनांग था, प्रमुख सेनांग था क्या, यही ना पूछ रहा है, वैदिक काल में प्रमुख सेनांग क्या था, वो था बच्चों क्या था, रथ सेना कि हस्ती सेना कि अश्व सेना कि गुप्तचर, तो ये जो था बच्चों रथ सेना था, वैदिक काल में प्रमुख सेनांग क्या था, रथ सेना था, रथ पर ही सवार होकर प्रमुख रूप से लड़ा जाया करता था, ठीक है, तो रथ सेना को प्रमुखता दिया गया था, इसको प्रमुखता दिया गया था। रथ सेना को प्रमुखता दिया। सर्वाधिक पुरातन वेद कौन सा है, अरे सबसे पुराना वेद कौन सा है, यही तो पूछ रहा है, तो कौन सा वेद है बताइए बच्चों, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अरे ये जो है सबसे पुराना वेद बच्चों ऋग्वेद, ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, ठीक है, ऋग्वेद कौन सा वेद है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, और सामवेद जो है बच्चों ये किससे संबंधित है, संगीत से संबंधित है, सामवेद संगीत से संबंधित है बच्चों, ठीक है, अर्थवेद किससे संबंधित है, तंत्र मंत्र जादू टोना, तंत्र मंत्र जादू टोना से संबंधित अर्थवेद है, ठीक है, इसमें यज्ञों की तुलना की गई यजुर्वेद में, यज्ञों से संबंधित है, ठीक है, तब तो बता दिया मैंने, ठीक है, ऋग्वेद में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया, आगे चलते हैं देखते हैं, ठीक है, तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक पुरातन वेद कौन सा है, ऋग्वेद, और वीडियो अच्छा लगेगा बच्चों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, और एक बात और, इसका PDF फाइल अगर डाउनलोड करना होगा आप लोगों को तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके नीचे डाउनलोड कर सकते हैं या लिंक पे जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।